तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप ग्वारफली को बीज से आसानी के साथ उगा सकते हो। इसी के साथ मैंने कुछ सीड्स लिए हैं मिर्च के, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे आप इसको बीज से ग्रो कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए बिना इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपको कुछ जानकारी पसंद आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ पर इसको सीड्स को उगाना है वहाँ पर अच्छी तरीके से गोबर डाल के अच्छे से पानी दे देना है, जैसे खेत में देते हैं। मैंने अभी घर के आंगन में लगाया है, इसलिए ये देख सकते हो उसी प्रकार से मैंने कर दिया है। ये देखो, ये सारा कुछ गोबर है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से मत डालना। हर एक 15 दिन के बाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो, सीडलिंग के टाइम मत डालना। तो चलिए 24 घंटे के बाद मिलते हैं। 24 घंटे हो चुके हैं और आपको अभी ये देखो, ये कुछ मिर्च के सीड्स है। और चलो, और ये रहे हमारे ग्वारफली के सीड्स। तो एक एक करके हम लगा देते हैं इसको। हमने जहाँ पर कुछ छोटी सी खेत टाइप का बनाया था वो, सबसे पहले हम मिर्च के कुछ सीड्स यहाँ पर डाल देते हैं। ज़्यादा दबाना नहीं है, नहीं तो ये जर्मिनेट हो भी सकते हैं या फिर पानी ज़्यादा होने की वजह से गल भी सकते हैं। तो चलिए अभी मैं वीडियो को फास्ट मोशन में कर देता हूँ। तो चलिए फटाफट से सीड्स को जमीन के अंदर डाल देते हैं। देखो, थोड़ा सा आपको गड्ढा करना है, उसके बाद सीड्स को रख देना है और दबा देना है हल्का सा। ये देखो, फटाफट से हम कर देते हैं, उसके बाद मैं फिर से आपको मिलता हूँ। ये बहुत ही कम दाम में आपको इसके सीड्स मिल जाएंगे आसानी से। जहाँ से मैंने ख़रीदा उनके पास एक 50 रुपये वाला बड़ा पैकेट था, उसके अंदर से वो डिवाइड करके इतना सीड्स मुझे पड़ा 10 रुपये में। तो आप समझ सकते हो कितना सस्ता है। 3 दिन के बाद का अपडेट। ये देखो, हमारे तकरीबन मैंने जहाँ पर ज़्यादा सीड्स डाले थे वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हुई है, यानी कि जर्मिनेट रेट ज़्यादा है। और एक तरफ मैंने एक एक सीड्स डाले थे, उसमें से कुछ जर्मिनेट हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं। तो चलिए अभी 1 महीने के बाद मिलते हैं। 1 महीने के यानी कि 10-15 दिन के बाद मैं अपडेट बनाऊंगा। तो चलिए 15 दिन के बाद। तो दोस्तों, ये रहा 28 दिनों के बाद का अपडेट। तो ये देख सकते हो इस तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से हाइट ग्रोथ में ला दी है पौधों ने, और इस तरफ कुछ दूसरा कुछ भी उग चुका है, लेकिन उसको मैं निकाल दूंगा अभी। और ये देखो, कुछ इस तरफ छोटे रह गए हैं पौधे और इस तरफ बड़े हैं, क्योंकि सनलाइट की वजह से। इस तरफ पत्थर थे तो फिर इस पत्थर की साइड वाले को सनलाइट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ग्रोथ अच्छी कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में वो छोटे रह गए, वो भी अच्छी तरीके से अपनी हाइट इंक्रीज़ कर देंगे। ये देखो, नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताना ज़रूर। और बहुत ही कम कमेंट आती है, तो
इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी करना ही करते, लाइक भी नहीं कर रहे, इस वीडियो में सब कुछ होने वाला है। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।